मालिक मालिक, कल मैंने सपना देखा, सपने में आप मुझे 25 रुपये दिए हैं। अच्छा तो अच्छी बात है, अगले महीने तुम्हारे तिनके से 25 रुपया काट लिया जाएगा। आपने जो चेक दिया था वो बाउंस होके रिटर्न आ गया है। अच्छा है, मेरा डिजीज भी तो रिटर्न आ गया है डॉक्टर साहब। अच्छा सुरेश, बोलो तो श्री रामचंद्र जी वनवास क्यों गया था? सर, श्री रामचंद्र जी वनवास इसलिए गया था कि उसका रूम रेंट नहीं दे पाया था, इसलिए उसको वनवास जाना पड़ा। यदि आप मेरे नाम से क्यों बुलाते हो हमें? आपको देख देख के बच्चे भी अब मेरे नाम से बुलाने लग गए हैं। अच्छा तो क्या अब मैं भी तुम्हारे बच्चे की तरह तुम्हें माँ कह के पुकारूं? आजकल तो कोई सच नहीं बोलता है, आजकल तो झूठों का जमाना हो गया मेरे भाई। हाँ वो तो है, लेकिन मैं एक लड़का को जानता हूँ जो कभी झूठ नहीं बोलता है। अच्छा चलो उसे देख के आते हैं, लेकिन उसे देख के कोई फायदा नहीं क्योंकि वो बोल ही नहीं पाता। वेटर, मेरे लिए एक चिकन सूप लेके आओ जल्दी। ओके सर, अभी लेके आता हूँ। वेटर, इसमें तो मरे हुए कॉकरोच है। डोंट वरी सर, इसके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, जाना चाहते तो जाओ, लेकिन पहले गुड न्यूज तो सुन लो। तुम्हारा मम्मी तुम्हारे पापा से कल झगड़ा करके उनके मम्मी के यहाँ चला गया। हाँ तो मैडम आपका क्या हुआ है? तो सर मुझे पूरी रात नींद नहीं आती है। कारण क्या है मैडम? मैं अपना पति को विश्वास नहीं करता हूँ, इसलिए मुझे पूरी रात जाग के उनको पहरा देना पड़ता है।